दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन मंडे का और आज डेट है 15 मई 2023 और टाइम हो रहा है दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं और मैं पहुंच गया हूँ अभी दाबड़ी के पास और लास्ट स्टॉप मेरा हुआ था जनकपुरी और जनकपुरी C3 मार्केट के पास में, तो वहीं पे मैं ड्रॉप करके अभी बस जा रहा हूँ घर की तरफ। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब सुबह निकला था 8 बजे करीब, मतलब पहली राइड मेरी जो मिली थी वो 8 बजे मेरे को मिली थी और जो राइड मिली थी वो मिली थी मतलब गुड़गांव साइड की और गुड़गांव की मिली थी इन ड्राइव के अंदर। तो इन ड्राइव में आज मतलब 490 के उसमें मैं सेक्टर 44 छोड़ा 500 रुपये में, तो 540 में सॉरी, तो 540 में मैंने मतलब जिसमें से 40 रुपये का मतलब 440 की राइड थी तो 40 रुपये का कमीशन चला गया, बाकी 100 रुपये टोल अलग से लिया तो 500 रुपये मतलब मुझे पड़ गए थे। बट वो राइड मेरे को तकरीबन एक तरीके से थोड़ी सी भारी पड़ गई थी। भारी इसलिए पड़ गई थी दोस्तों, आपको तो जैसे कि पता है कि इन ड्राइव पे एप्लीकेशन जो है अब ग्रो तो कर रही है और सभी भाई चला रहे हैं, तो इसमें ड्राइवरों को कुछ नुकसान भी हो जाता है। तो नुकसान क्या होता है वो मैं आपको आज बताऊंगा। नुकसान यही होता है कि देखिए हम ओला उबर में जब ट्रिप्स लेते हैं तो उसका पर मतलब जितना टाइमिंग लगता है, सपोज 1 घंटा भी लगता है रास्ते में, अगर कोई ट्रैफिक हो गया 2 घंटे लग गए या 1.5 घंटा लग गया, तो आपका पर मिनट चार्ज के हिसाब से कैलकुलेट बिल होता है। तो सपोज आधा घंटा आपका एक्स्ट्रा लग गया तो आधे घंटे का फेयर आपको मतलब 20-30 रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ के मिल जाएंगे। बट इन ड्राइव में क्या है कि इन ड्राइव में एक नुकसान ये हो रहा है कि दोस्तों अगर आपने जो रेट दे दिया कस्टमर उसी रेट पे आपको मतलब वो करेगा, चाहे आपको 1.5 घंटा लगे या 2 घंटा लगे। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई आज। मैंने जब ट्रिप ली थी सेक्टर 44 की तो 1 घंटा 3 मिनट मेरे को टाइम बता रहा था, पर जो कि बढ़ के 1 घंटा 40 मिनट मेरे को लग गया। 40 मिनट क्यों एक्स्ट्रा लग गए? वो इसलिए लगे कि टूवर्ड्स जब हम द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो से लेफ्ट लेते हैं टूवर्ड्स जो आपको बताया वो कापसड़ा वाली उससे जो लिंक रोड वाली रेड लाइट है वहाँ पर काम चल रहा है, तो आज पता नहीं क्या हो गया था कि मतलब बहुत भयंकर जाम लगा हुआ था वहाँ से। तो सभी लोग, आपको पता है एक गाड़ी अगर घूमती है तो फिर उसके पीछे सारे बंदे घुमाने लगते हैं, तो सारे बंदे घुमाने लग गए। घुमाने के साथ जो उस तरफ से जो गुड़गांव साइड से ट्रैफिक आ रहा है वो स्टक हो गया पूरा, इधर से जाम हो गया, तो पूरा का पूरा फिर कोशिश करी कि सर्विस लाइन पे लाया जाए। सर्विस लाइन थोड़ा सा खाली रहता है तो सर्विस लाइन पे लाए राइट वाली साइड पे, सबसे एंड वाली पे। उधर जैसे एंड पे पहुंचे रेड लाइट के पास तो वहां पर जेसीबी मशीन वाले ने जेसीबी लगा के बंद कर दिया, तो मतलब पूरा का पूरा वहां से वापस घूमे वहां से फिर दोबारा कापसड़ा अंदर वाली जो आपका बिजवासन वाला रोड है जो कापसड़ा की तरफ जा रहा है वहां से लिया, वहां से पूरा रेड लाइट तक जाम ही जाम था। तो 40 मिनट मेरे लग गए एक्स्ट्रा आज यहाँ पर। तो राइडर को मैंने बोला, मैंने कहा सर 40 मिनट मेरे एक्स्ट्रा लगे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा मतलब पेमेंट तो बनती है आप? कहता नहीं यार मैं भी लेट हो गया हूँ। तो मतलब वही चीज़ है कि अगर यही ट्रिप हम ओला उबर में लेकर आते तो जितना बिल होता उतना बंदे को देना पड़ता, बट इसमें ये नुकसान ये हो जाता है कि मतलब जो फिक्स टाइम है तो इसमें टाइम के लिए आपको क्या लगता है दोस्तों, इन ड्राइव को अपडेट करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये चीज़ तो ज़रूरी है। देखिए सडनली ट्रैफिक लग जाए और आप जिस रेट पे ला रहे हो, सपोज गुड़गांव से ले रहे हो शाम के टाइम में नोएडा की बुकिंग ले रहे हो, आपको दिखा रहा है 1.5 घंटा और आपको लग गए 2.5 घंटे, तो आपके लिए तो नुकसान है। और प्लस अगर एसी में लेकर गए तो आपने तो जितना मतलब उसमें रेट आपको बताया, देखिए रेट हम लोग वही लेते हैं कमीशन जो ओला उबर की होती है वो कटने के बाद हमें बस रेट मिल जाए, हम वही चाहते हैं कि हमें वही रेट मिले, हमें कमीशन से मतलब नहीं, क्योंकि कमीशन हमें ओला में भी देना होता है उबर में भी देना होता है। बट क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या है कि राइडर का फायदा हो जाता है, तो अभी फिलहाल तो राइडर ही फायदा उठा रहे हैं, उठा इसलिए रहे हैं क्योंकि ओला उबर के रेट्स में कमीशन प्लस होके रेट उनको प्रोवाइड होता है और इन ड्राइव में आपको ये सब चीज़ें नहीं होती, बस इन ड्राइव में आपका रेट है जो आप लेना चाहें। तो अभी मतलब इन ड्राइव की मैंने सुबह राइड ली तो उसमें मेरे को नुकसान हुआ, उसके बाद मैं मतलब उबर में लेकर आया था, उबर में मेरे पास सीधा आ गई थी
वर्ल्ड वॉक वन की एरोसिटी की, तो एरोसिटी छोड़ा, एरोसिटी के बाद मेरे पास जसोला आ गई, जसोला के बाद मतलब आज मैं गुड़गांव गया था, करीब दो बार मैं गुड़गांव गया, सुबह गया था और दोबारा फिर गया था गुड़गांव, तो आज पूरे टाइम मतलब दिल्ली एनसीआर में घुमा हूँ, आज नोएडा भी गया था, तो अभी मैं दोबारा इन ड्राइव में ही लेकर आया था ट्रिप, आपका नोएडा पहुँच गया था, नोएडा से मेरे पास मिल गई थी सर ट्रिप बिहार की, तो वहाँ पर उनको छोड़ा मैंने, ये लगा लीजिए दोस्तों 13 किलोमीटर में मैंने 390 रुपीज कस्टमर से लिए और 290 में एग्री हुआ था कस्टमर, 100 रुपये मैंने टोल बोले उसको, तो 100 रुपये टोल में भी एग्री हो गया था, तो वो राइड मैंने जैसी ड्रॉप करी दोस्तों, तो उसमें मतलब ड्रॉप करने के बाद ही मेरे पास एक इंटरेप से नोटिफिकेशन आया, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है कि अब आपको टोल अलग से लेने की जरूरत नहीं होगी इसमें इन ड्राइव ऐप में, तो टोल आपके उसमें जुड़ के ही आएगा, तो ये चीज आप मुझे कर देना दोस्तों, जो भाई इन ड्राइव चलाते हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं ज्यादा यूज नहीं करता अभी, तो इसलिए मैं तो यही देखता हूँ भाई, जो जिसमें टोल प्लस होता है उसमें टोल नहीं लिया जाता, जिसमें टोल प्लस नहीं होता उसमें हमें टोल मुंह से बोल के लेना पड़ता है और बताना पड़ता है सबसे पहले, कोशिश यही किया करें सब लोग जो भी एक्सेप्ट करता है ट्रिप इन ड्राइव की, तो उसमें भाई 2-2 किलोमीटर दूर से बुकिंग आती है, 3-3 किलोमीटर से रेट एक्सेप्ट हो जाता है, फिर बाद में आप राइडर से बहसबाजी करो कि भैया टोल अलग से, तो कहेगा भाई मैंने तो टोल बोल तो कोई बात ही नहीं हुई, तो इसलिए कस्टमर को फोन करो उसी दौरान, उसको बोलो कि भैया इसमें टोल ऐड होगा, अगर आप एग्री करते हो तो आई विल कम, अदरवाइज आई विल कैंसिल, तो अगर वो मना करता है तो आप कैंसिल कर सकते हैं बुकिंग को, तो आप भी जरा मेरे को बताना दोस्तों ये फड्डा क्या है, आप मतलब टोल ऐड करके मतलब टोल का अमाउंट लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में करीब निकला था 8 बजे और अभी 9:15 बज चुके हैं और 9:15 बज गए हैं, तो आज मतलब काफ़ी लेट हो गया, मतलब लेट क्या 12 घंटे हो ही गए, 13 घंटे तक का काम आज किया है मैंने, तो आज कोई ज़्यादा काम हुआ नहीं है, मतलब जो उम्मीद देखिए उम्मीद सब लोग सोच के चलते हैं कि यार इतना काम होगा उतना काम होगा, बट उतना हो नहीं पाता, तो आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, आज मेरा काम कितना हुआ है कितना नहीं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं 1700 कुछ का मेरा ऊबर में काम है और इन ड्राइव में मैंने 2 राइड ली है, यहाँ पर आपको दिखाया था, एक 540 की है एक 390 की है, तो 540 में 500 के आए और 390 में मेरे पास 360 रुपये आए, तो 860 ये हो गए और 1700 ये हो गया, तो 1700 प्लस 860 आपका हो गया 2500 तक का काम है, इसमें टोल भी ऐड होता है बट टोल वगैरह मैं इसमें इंक्लूड नहीं करता, 2500 तक का काम है, जो मेरी सीएनजी लगी है सीएनजी में आपको बताया था, सीएनजी मैंने डलवाई थी सुबह करीब 464 रुपये की सीएनजी मेरी डली थी कल, मतलब कल नहीं आज ही डलवाई थी और 2 बार सीएनजी डलवाई, उसके बाद फिर मैंने मतलब सीएनजी दोस्तों ऐसी वो हो गई है कि 100 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी चल रही है उसके बाद आपको लास्ट पॉइंट पे सीएनजी डलवानी पड़ रही है, तो 100 किलोमीटर चली उसके बाद फिर मैंने सीएनजी डलवाई 333 रुपये की, तो टोटल सीएनजी मेरी तकरीबन 800 रुपये की डल गई, 800 में जो मेरे पास पहले के 2 पॉइंट थे तो वही 2 पॉइंट अभी बरकरार है, तो तकरीबन 800 रुपये तक की मेरी सीएनजी पूरी की पूरी खर्च हो चुकी है, 800 से ऊपर ही गई है, पर मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ, 800 रुपये मेरी सीएनजी अभी लग गई है, तो 800 रुपये में अब आप सोचिए 2500 रुपये का काम किया है, तो 2500 रुपये में से 800 माइनस कर लेंगे तो बचेंगे 1700 रुपये, 1700 रुपये में से 200 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस फिटनेस परमिट इंश्योरेंस ये सब चीज़ें इंक्लूड करते हैं तो 1700 में से 200 रुपये डालेंगे तो बचेंगे नेट 1500 रुपये, तो आज की नेट इनकम है 1500 रुपये और 12 घंटे का काम दोस्तों यही है अभी आजकल निकल के आ रहा है, क्योंकि सेविंग अभी मतलब डाउन हो गई है, डाउन इसीलिए हो रही है कि एक तो रेट कम मिल रहा है और फिर रेट कम मिलने के बाद एसी भी चल रहा है, तो जो हमारी अर्निंग हुआ करती थी तो 30 से 35% का डी ग्रोथ आया है हमारी अर्निंग पे, तो ये चीज़ ठंड के टाइम में अच्छा खासा रेट में मिल रही थी, तो जो 2500 का काम हुआ वही हमारा 3200-3300 ऐसा कुछ काम हो जाता, तो कोई नहीं दोस्तों उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो लगे रहते हैं
आप मेहनत करो, मेहनत का फल हमें मिलता ही है। तो अभी देखिए मैं भी करके आया हूँ कुछ ना कुछ, तो लेट तक किया है आज काम और कल कोशिश करूंगा जल्दी निकलूंगा। कल मैंने गाड़ी की दोस्तों सर्विस भी करवाई थी और गाड़ी की सर्विस कराई, एसी वगैरह साफ करवाया, उसके बाद भी एसी में प्रॉब्लम आ रही है। एसी का कंडेंसर जो है वो मुझे लग रहा है खराब हो रखा है और इसकी जो रेडिएटर की टंकी है उसमें से भी मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम साफ करवाया था तो उसने बोला था हल्की सी आपकी क्रैक हो रखी है, तो उसको फेविक्विक से उसने जोड़ दिया था, बट मुझे नहीं लगता वो सक्सेस हो रहा है। उसी की वजह से शायद कूलिंग पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो अभी एक आध दिन में या तो मैं जाऊंगा मायापुरी साइड में, मायापुरी से मतलब आपका कंडेंसर का रेट मैंने पता किया था 1500 रुपये बता रहा था जिससे मैं लेता हूँ सामान वगैरह, जैसे रेडिएटर की फैन मोटर वगैरह वो है, तो जो एसी का सामान रखता है उसने 1500 रुपये बताए थे। तो मायापुरी में जाके देखना पड़ेगा अच्छी कंडीशन का कुछ कंडेंसर मिल जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर नया तो आपको पता ही है नए की कीमत 5000 है इस टाइम मारुति के जेन्युइन पार्ट से, तो वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाते हैं। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर लेते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितना आप शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कितना काम है कितना नहीं है। तो चलिए दोस्तों मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे, तब तक के लिए बाय बाय।